नमस्कार, मैं सज गुप्ता और आप देख रहे हैं बिफोर पिंक। मैं बता दूं इस वक्त जो है बिफोर पिंक की टीम जो है राजगीर पहुंची, लेकिन राजगीर की स्थिति में बता दूं बहुत ही दयनीय है। मैं बता दूं कि जो स्तूप है यहाँ से इतने हम बहुत करीब है, आप दिखाई पीछे से, मैं अंदर दिखा सकता हूँ तो पीछे है स्तूप, लेकिन मुझे हमारी टीम को यहाँ पहुँचने में 4 घंटे लगे हैं और फाइनली हम वापस जा रहे हैं पटना की तरफ, क्योंकि आप देख रहे हैं पीछे कितना स्ट्रक है, ज़्यादा तादाद में लोग आ गए, जितनी कैपेसिटी से कम मुझे लगता है 50 गुना ज़्यादा लोग हो गए, 50% इतनी तादाद थी यहाँ लोग आने की रोज, आज इससे 50 गुना ज़्यादा लोग हैं और गाड़ियाँ कम से कम 2000 की तादाद में, कहीं भी प्रशासन क्या फेल्योर है, आप देखिए प्रशासन कुछ फेल्योर नहीं, बाइक पे कार पे लोग खड़े हैं लेकिन निकलने का रास्ता नहीं है। कुछ लोगों का कहना था कि 11 बजे चले वहाँ मंदिर से, लेकिन वो पहुँच नहीं पा रहे। ये पीछे दिखाइए, एक महिला का सेवक यहाँ पे है, ये पूरे रास्ते में बता दूँ कि कोई भी प्रशासनिक स्तर के लोग जो है कहीं नजर नहीं आ रही। दिखाई इधर, ये नीतीश कुमार का डिस्ट्रिक्ट है, नीतीश कुमार का गृह जिला, लेकिन यहाँ स्थिति ऐसी बनी है लोग नहीं कितने परेशान है यहाँ पे, जिस तरीके से लोगों का आगमन हो रहा है, कहीं कोई जो कहा जाए ना कि एक प्रशासन की तरफ जो तैयारियां की गई थी, जैसे कहा जा रहा था कि बहुत सारी तैयारियां हैं, 1 जनवरी को ये पार्क खुलेगा, वहाँ ये होगा यहाँ, लेकिन ऐसा कुछ नजर आ रहा है। आप देख लो फोर्सेस की इतनी कमी है यहाँ पे, गाड़ियां लगी हुई रोड पे, लोग पड़े हैं, बच्चे हैं, सब भूखे यहाँ पे, बात करते हैं लोगों, पता है कितने बजे निकले आप लोग यहाँ, कहाँ से निकले यहाँ, यहाँ से कब, कितना दिन लगा रात के, बताइए आप राजीव प्रॉपर है, कितने लोग पहले आते थे, आज क्या पिछले साल के लोग आए थे कितना ज्यादा, कोरोना में इतने कोरोना गाइडलाइन है, प्रशासन पहले लग रहा है ना, फेलियर हो गया ना ये लोग, अगर आप जिस तरीके से रोकते अगर आगे जिस तरीके आप बता रहे हैं कि पूरे बिहार में तैयारियां की गई जनवरी को, ये पार्क की तैयारी, स्थिति यहाँ पे ये है, जो लोकल भी है उनका कहना था कि बहुत ज्यादा तादाद में लोग आ गए हैं यहाँ, लेकिन प्रशासन के लोग जो है मैं तो देख रहा हूँ फेलियर है, क्योंकि जिस तरीके से लोग आगमन हो रहा है कहीं रोका नहीं जा रहा है, बाइक पे पैदल हाथ लगे सब जगह लोग भीड़ पड़ी है, किस जगह नहीं दिखा हुई। मैं बता दूं अभी ये कोरोना का गाइडलाइन चल रहा है, उस गाइडलाइन में इतनी स्थिति खराब है, हर जगह लोग एक साथ चिपके पड़े थे, क्या कोई डिस्टेंस नहीं पाल हो पा रहा है, इतनी भीड़ है, खुद मैं नहीं कर पा रहा हूँ, मजबूरी यहाँ पे है, इससे क्या स्थिति बन सकती है, किस तरह से कोरोना अगर पेशेंट अगर संक्रमित कोई बंदा या बंदिया घूम रहे हैं तो कितने लोग संक्रमित होंगे पता नहीं। ये टूरिस्ट पैलेस है, यहाँ देखिए मंदिर दिखाई पीछे स्तूप, झूले तक नहीं पहुँच पा रहे लोग, देख सकते हैं यहाँ लोग शॉर्टकट में कोई पहाड़ में बैठ जा रहा है, कोई कहीं बैठ रहा, थके हुए लोग, चक्कर आ गए कितने लोगों को, वो बैठे हुए, कोई बस एड नहीं यहाँ पे। तो कह सकता हूँ मैं कि अगर आप हमारे न्यूज को देख रहे हैं, देख सकते हैं कि मैं राजगीर में हूँ, राजगीर की स्थिति इतनी ज्यादा नाजुक है, यहाँ लोग हैं, भीड़ है, लेकिन कोई रोकने वाला इनको नहीं है, एक सिंगल सिपाही कांस्टेबल नजर आ रही है जो खुद समझ नहीं पा रही कि मैं कैसे हैंडल करूँ, अगर भीड़ को तादाद जितनी बढ़ गई है तादाद में, वो खुद नहीं समझ पा रही कि मैं कैसे हैंडल कर पाऊँ इन चीजों को। हाँ इधर आइए देखिए, पता क्या प्रॉब्लम है, पता आपका मास्क कहाँ है, मास्क है तो मास्क क्या जो बच्चा बहुत खुश है, चल कर रहा है हमारा जिला, अभी तक जिला का पास नहीं पहुँचे बच्चा, खाने का भी कोई व्यवस्था नहीं है, कोई व्यवस्था नहीं है, कोई प्रशासन नहीं है, तो आपको कहीं मतलब कब निकलती है, वहाँ से 9 बजे से निकले, नहीं यहाँ आप राजगीर से कितनी दूर, आपको कितना डर लगा, 9 बजे सुबह से चल कर आए, हाँ अभी तक यहाँ पर 9 बजे 4 बजे, देखिए 9 बजे चले हुए हैं और अब कभी बहुत दूर जाना है, कैसे आज से आप घंटे लग
देखिए सुबह से लोग हैं यहाँ पे लड़के और स्थिति ऐसी है कि लोग भूखे हैं, बच्चे भूखे हैं, कहीं को रास्ते में दुकान नहीं है जहाँ तक जानता कि जहाँ प्रशासन की तरफ से कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है इस तरह का दुकान फिर से बोले हम शासन की कमी है यहाँ पर शासन सही ढंग से रह गए कार्रवाई नहीं होगा जाम है चार घंटे जाम होता नहीं है दिक्कत है कि मोटरसाइकिल गाड़ी का दिक्कत नहीं है इससे मोटरसाइकिल वाले का भी दिक्कत है देखिए वहाँ की दिखाई कांस्टेबल है लेकिन वो कितनी दूर खड़ी हुई है खुद भीड़ से भागी हुई है स्थिति यहाँ ये कि प्रशासन के यहाँ तो समझ नहीं आ रहा है वो कैसे काम कर पाएंगी वो सिंगल यहाँ पे और दिखाई डंडा दिखाई हाँ तो डंडा लेके लोग खुलेआम इस तरह से जो है कटिया को घूमने कहती है कि डंडा हाथ में अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।